मैं उमाशंकर शर्मा, यूनाइटेड वेज दिल्ली और की साइट से रिलेटेड स्टैम्प प्रोजेक्ट पर आपके साथ फिर हाजिर हुआ हूँ, एक नए कंसेप्ट को लेकर, एक नए मॉडल को लेकर। और किस तरह से ये मॉडल काम करता है, सबसे अहम बात यह है कि ये मॉडल जो है हम ऐसा दर्शा रहे हैं जो हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनता है। तो आज हम अपने लंग्स के बारे में बताएंगे। लंग्स का मतलब अपने फेफड़े, ठीक है। जानते हो ना कि सांस को ज़्यादा देर रुका नहीं जा सकता, और यही सांस है जिसके थ्रू हमारे शरीर में वायु जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन को लिया जाता है। किस तरह से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुँचती है, भोजन का दहन होता है, और उस दहन से जो ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा हमारे को दैनिक जीवन में हर समय काम करने के लिए जरूरी होती है। तो फेफड़े एक बहुत अहम हिस्सा रखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर के लिए। तो मैं आपको इस मॉडल के थ्रू बताता हूँ कि किस तरह से हमारी हमारे फेफड़े कार्य करते हैं और किस तरह से वायु जो है हमारे शरीर में जाती है। सबसे पहले ध्यान रखिए बच्चे कि हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वायु में जितनी भी गैसेज हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, हर चीज़ हमारे नाक के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाती है। और जब हम गैस छोड़ रहे हैं, जब हम वायु बाहर निकाल रहे हैं, तो वही सारी गैसेज भी बाहर ही आती हैं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही या ऑक्सीजन नहीं आ रही, सब आती है। परंतु क्या होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस समय वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% अंदर जाती है, परंतु जब वो बाहर आती है तो 5% आती है, यानी 4.97% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी बाहर आ रहे हैं। उसी तरह से जब हम अंदर लेते हैं सांस तो ऑक्सीजन 21% अंदर जाती है, परंतु जब बाहर आ रही है, बाहर सांस छोड़ते हैं, तो 21 की जगह केवल 16% ऑक्सीजन बाहर आती है, अर्थात 5% ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर रह गई। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ली, निकाली। तो इस प्रक्रिया को समझाने के लिए कैसे ये करता है और इसमें सहन सबसे बड़ी भूमिका जो है वो वायु दाब के ऊपर होती है। वायु दाब किस तरह से हमारे शरीर के अंदर हवा को ले रहा है या हवा को बाहर निकाल रहा है, तो इसके लिए ये मॉडल है जो मैं आपको अब दर्शाना चाहता हूँ। देखिए, ये मॉडल है हमारी जो लंग प्रक्रिया है या हमारा पेट है, जो हमारी वकल कैविटी है। यहाँ पर देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे विंड पाइप है, जिसको हम ट्रेकिया कहेंगे। तो नाक से हमारी वायु अंदर जाती है। अब क्यों जाती है मैं आगे बताऊंगा। तो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हमारी नाक के अंदर हैं और एक स्लेसा यानी एक बहुत ही गाढ़ा पदार्थ भी है, जो वायु में मौजूद छोटे छोटे जो कण हैं, धूल के हैं या और चीज़ों के हैं, उनको रोकती है। कुछ हद तक साफ वायु हमारे वायु नली के थ्रू हमारे लंग्स में अंदर जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वायु नली है और वायु नली फिर आगे आपके दो पार्ट में विभाजित हो रही है। एक हम इसको कहेंगे कि दायां लंग, एक कहेंगे हम इसको बायां लंग, यानी दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा बायां फेफड़ा है वो छोटे आकार का है और दायां फेफड़ा जो है वो थोड़ा बड़े आकार का होता है। ऐसा क्यों? बाईं तरफ हमारे शरीर में क्या होता है? हृदय। उस हृदय को जगह देने के लिए इस फेफड़े को थोड़ा छोटा होना पड़ा, ये कुदरत का है। इसके बाद
इन फेफड़ों में अगर आप देखिए कि बाहर छोटी छोटी नलिकाएं, जैसे एक बड़ी पाइप पानी की पाइप होती है और उसके छोटे छोटे आपके घरों में और उसमें जाता है, उसी तरह से यहाँ पर एक पाइप से करोड़ों की संख्या में छोटे छोटी नलिकाएं जाती हैं और वो नलिकाएं वायु कूपिकाएं या एयर सैक्स के रूप में ख़त्म होती हैं। जो भी हमारा शरीर से जो खून आता है वो उन वायु कूपिकाओं के सारे सारे होता हुआ जाता है। अब सबसे अहम प्रक्रिया है कि जो हमने सांस ली, नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21 यानी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हमने जब सांस ली, यानी सांस लेने का मतलब है कि हमारे ये जो डायफ्राम है ये नीचे जाता है, नीचे जाएगा तो हमारे पेट का या इनका आकार बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा यानी आयतन बढ़ेगा, तो वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वायु दाब कम होगा तो बाहर की हवा हमारी नाकों के थ्रू इन फेफड़ों में आती है और फेफड़ों में आएगी, वायु कूपिका तक पहुँचेंगी। रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनी, जो भोजन जला उससे कार्बन डाइऑक्साइड हर कोशिका में उत्पन्न हुई, वही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त लेकर यहाँ तक आता है। तो उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, परंतु जो हमने वायु ली अंदर वो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। हमें मालूम है कि ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चीज़ें चलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में आएगी और जो फेफड़ों में जो हमारी बाहर की हवा थी यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी और अंदर वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो यहाँ से फेफड़ों से ऑक्सीजन बाहर जाएगी और वो फेफड़े से खून जो है उसको शरीर में ले जाता है और उस तरह से वो पूरी कोशिकाओं में पहुँचाएगा। तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है और यही प्रक्रिया है। देखिए, जब ये डायफ्राम नीचे जाता है तो हमारे इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब कम होता है तो बाहर का वायुमंडलीय दाब नाक के थ्रू अंदर जाता है। देखिए ये लंग्स फूले, अब जब ये ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम कम हुआ और वॉल्यूम कम होने के बाद आप देखेंगे कि हवा जो है क्या है, बाहर निकल गई। तो इस तरह से वायु दाब कम होना और ज़्यादा होने की वजह से हमारे ये फेफड़े काम करते हैं। यानी जब हम सांस अंदर लेंगे तो अंदर लेने का मतलब है कि हमारा डायफ्राम नीचे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का दाब कम होगा, यहाँ से हवा अंदर गई और जब डायफ्राम ऊपर आया तो दाब बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ और हवा बाहर निकली। यही प्रक्रिया एक मिनट में 18 से 20 बार होती है, जहाँ पर वायु का एक्सचेंज यानी वायु का आदान प्रदान होता है हमारे लंग्स के द्वारा। यही हमारी श्वसन प्रक्रिया है।